नागरिकता कानून को लेकर लखनऊ में 19 दिसंबर को हुई हिंसा के बाद से पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। शहर के कई इलाकों पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हजरतगंज के पूरे इलाके को परिवर्तन चौक से लेकर लालबाग और क्लार्क अवध से लेकर सिकंदराबाद तक सील कर दिया गया। एडीजी से लेकर डीएम और एसएसपी जगह जगह भ्रमण करते हुए लोगों से अपील कर रहे थे, सौहार्द बनाए रखें, आपके शहर आपके हवाले है। उधर पैदल गश्त करते हुए एडीजी एसएन सावत ने बताया कि लखनऊ में एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई और सबको सौहार्द के संदेश भेजे जा रहे हैं। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। लखनऊ में पूर्णतया शांति है। पिछले 3 दिन से लगातार लखनऊ के लोगों का जो कल्चर रहा है, शांति रखने के लिए, अमन चैन रखने के लिए उन्होंने सबने सहयोग किया है। पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण है। कोई भी अगर गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा उसको सख्ती से निपटाएंगे, ये भी हम लोग सतर्क कर दिए हैं सब लोगों को। फोर्स उसके लिए पूरी तैयारी के साथ है, लेकिन सभी लोगों से वार्ता हो रही है, संवाद हो रही है। सभी लोग अमन चैन चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है कि जन सामान्य का जो जीवन को कोई डिस्टर्ब करे। कुछ ऐसे मैसेजेस हम लोगों ने देखा था, कोई औपचारिक रूप से तो कोई कॉल नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने आपस में वो मैसेज कर रहे थे। हमारी सतर्कता बनी रही। लखनऊ में हिंसा के ठीक 3 दिन बाद लखनऊ में भारी पुलिस बल के साथ तैनाती की गई है। इस वक्त हम खड़े हुए उसी जगह पे जहां पर 16 दिसंबर की शाम को उपद्रव हुआ था और आगजनी की भीषण घटना यहां पर हुई थी। ये CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बहाने लखनऊ में जिस तरीके की हिंसा हुई थी, उसके बाद एहतियातन तौर पर पुलिस बल को यहां पर बढ़ाया गया था। न सिर्फ जिला पुलिस बल्कि PAC के साथ साथ RAF और CRPF की जो कंपनियां थी, कई टुकड़ियां थी, वो यहां पर डिप्लॉय की गई थी ताकि किसी भी तरीके की कोई हिंसा या कोई किसी तरीके की कोई तनाव पैदा करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। ये महिला टुकड़ी भी है, अगर कोई वामपंथी संगठन अगर महिलाओं के साथ आता है तो उससे निपटने के लिए ये जत्था भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। खुद DM SSP कई इलाकों का सुबह से दौरा कर रहे हैं। पश्चिमी लखनऊ से लेकर के जो पश्चिमी इलाका है लखनऊ का, वहाँ पर संवेदनशील कुछ जगह है, खदरा जैसा इलाका जहाँ पर हिंसा हुई थी और आगजनी हुई थी जिसमें एक पुलिस चौकी के साथ साथ वाहनों को आग भी लगाई गई थी। तो लखनऊ में फिलहाल इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बाधित हैं। पुलिस के अफसर ग्राउंड जीरो पर हर तरीके से नजर रख रहे हैं कि किसी भी उपद्रवी अगर किसी भी तरीके की यहाँ पर हिंसा करने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ शिवा शर्मा, लाइव टुडे।